फातिमा, जिया फातिमा नहाने के बाद अभी जूता पहन के तो कहाँ जा रहा है जिया बेटा? हैं? किधर जाना है? बथुओं के पास जाना। ओए, बथुओं के पास जाना तो मुंह में क्या डाला हुआ है? बलून। मुंह में नहीं डालते हैं बलून, इसमें हवा भर के तो इसे खेलते हैं। हवा नहीं भरनी आती आपको? नहीं आती तो भाई से कहना था ना आपको सिखा देता। ऐसे थोड़ी भरते ऐसे हवा भरते हैं, इधर से हवा भरते हैं, इधर से। क्या टूट जाती है? नहीं टूटती, हवा भरोगे फिर नहीं टूटेगा, नहीं टूटता। हाँ, इस तरह खराब हो जाता है जिस तरह आप कर रहे हो। हाँ, अभी मुझे कह रही है जी भर के दें, तो मुंह में डाला हो था उस वक्त से। इसको आप रखो, मैं बाद में ना दो के तो फिर इसमें हवा भरेंगे, ठीक है? तो ये जूता पहन रही थी, जूता जो है वो एक क्लिप से बंद नहीं हो रहा था। ये लो, ये जूता ठीक हो गया आपका। अभी चले बथुओं की तरफ? चलो आओ चले। तो जी दौड़ लगा दी इसने बथुओं की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू, ठीक है? तो जी फातिमा अभी जा रही है जी बतखों की तरफ और बड़ी खुश खुश जा रही है। बतखे हैं किधर पता? उधर है। अच्छा, आ जाओ आ जाओ, भागो, पीछे रह जाओ तो चीखे मारना शुरू कर देती है। हाथ मुझे पकड़ाओ, हाथ मुझे पकड़ाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो भागो भागो। आ गया जी जिया बेटा, आ गया। तो मुर्गा देखें जी, मुर्गा तैयार है लड़ाई के लिए। और भाग जो, लड़ाई नहीं करनी, चल। तो जी जिया फातिमा पहुंच गई है बथुओं के पास। तो बथे जो है वो ये बंदर क्या अंदर जाना? चलो जाओ जाओ अंदर। ठीक है, मैं भी आ जाऊँ? तो आप ही जाओ बथुओं के पास। क्या पानी डाल दें? वो बोतल में है पानी, वो बाल्टी में है पानी, डाल दो। दादा वो डालते हैं, तो आप भी डाल दो। किसके अंदर? उसके अंदर है, तो इसके अंदर भी डाल दो ना। वो बाल्टी में है पानी, डाल दो। इसके अंदर भी डाल दो, उसके अंदर भी डाल दो। तो ये जी पानी रखा हुआ है जो इनके बर्तनों में डालना होता है गाय बगाए, ठीक है? उसके अंदर भी डाल दे। ये ले, इसके अंदर भी डाल दिया है, डाल दे। ये लो जी, इसके अंदर भी डाल दिया, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, पानी पी लो, पानी पी लो। जिया फातिमा ने पानी डाल दिया, तो बथियाँ जो है वो पानी पीने के लिए आ गई हैं। वो जिया फातिमा की बथियाँ पानी पी रही हैं। हाँ, वो और भी आ गई हैं। हाँ, और भी आ गई हैं। हाँ, सब आ गई हैं। हाँ, तो जिया फातिमा कैमरे में देख के बता रही है जी, वो भी आ गई, वो भी आ गई, सब आ गई, जिया फातिमा भी आ गई। हाँ, सबके अंदर से पानी पीते। अभी चलें घर? हाँ पीते, अभी चलें घर? नहीं जाना, इधर ही रहना है। दाने शाम को डालने, अभी सुबह दादाजी ने डाल दिए थे ना, अभी शाम को डालेंगे, ठीक है? शाम को डालेंगे, आज चले। भागो भागो, किसके अंदर? देखो ना किसके अंदर है बतख। एक बतख जो है वो ये बैठी हुई है अंडे के ऊपर, तो इसके बारे में कह रही है जी इसके अंदर भी बतख है, ये देखो। चलो अब आओ चले, नहीं उनको लेके नहीं जाना, अभी चलते हैं, फिर शाम को खोलेंगे इनको, ठीक है? आओ आओ, अभी चलें घर। भागो भागो, क्या ऊपर छत है उनकी,
छत आपकी है? आपका कमरा है कोई? ये तो बथुओं का कमरा है, आपका कमरा तो उधर है। चलो आ जाओ, अब चले। हाँ वो पानी पीती है ना, अब आपने पानी डाल दिया, वो पानी पी लेंगे। आ जाओ, भागो भागो, चलो आप आ जाओ, फिर वो पानी पियेंगे। आ जाओ, भागो भागो, मैं जाने लगा। अच्छा ला, मैं कुंडी लगाने लगा, नहीं तो फिर आ जाओ, भागो भागो। तो जी अमरूद की स्टैनी पे लगे हुए कुछ अमरूद, तो जिया फातिमा को तोड़ के देते हैं एक अमरूद। ये रहा अमरूद लगा हुआ, ये लो। ओ अमरूद आपके लिए मैंने तोड़ा है, बड़ा पारा है, पारा है ना। मीठा ये फातिमा, मीठा हुई। तालाब जो है वो भी पानी का भरा हुआ है। क्या क्या है ये? इसके अंदर मेंढक है? हुई, पकड़ा था आपने? कितने? एक। चलो ठीक है, आ जाओ फिर आप। और किसके अंदर मेंढक है? और अच्छा, इतने मेंढक है, आ जाओ फिर आप। आ जाओ, आज भागो, अब चले, आ जाओ चले आप, आ जाओ, आज भागो भागो। जिया फातिमा का जो है वो दिल नहीं करता जब बथुओं की तरफ आ जाए और बाग में आ जाए, तो उसका दिल नहीं चाहता कि मैं घर को जाऊँ, आ जाओ भागो अब, तो इसलिए इसको ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ से लेके जाना पड़ता है। वैसे तो बच्चे जो है वो बाग में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ा सा डाउट होता है जब ये मुर्गा खुला हो, तो फिर डर होता है कि बच्चों को जो है वो मारे ना। तो जिया फातिमा जो है वो वैसे इससे कम डरती है, मगर फिर भी वो कभी कभार इसके पीछे लग जाता है। 3-4 दिन से तबीयत जो है वो सख्त ख़राब रही है, बुखार की वजह से गला भी ख़राब हो गया और थोड़ा सा ज़ुकाम की शिकायत भी रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हो गया। गला जो है उसमें थोड़ी सी आवाज़ जो है वो आपको बारी बारी महसूस हो रही होगी। तो अभी नहा के जो है वो कपड़े तब्दील किए हैं, तो मेरा प्रोग्राम था थोड़ा सा बाज़ार की तरफ जाने का। तो ये फातिमा ये बैठी हुई है, कंघी नहीं की आपने बालों को? कंघी ये ला के रखी है, कंघी नहीं की इसने। लो मैं कंघी कर लूँ, पोनी नहीं करनी आपने? नहीं। पोनी कर लो जाके, नहीं है? पोनी कर लो जाके, गाड़ी टूट गई है। तो ये जी जिया फातिमा की गाड़ी जो है वो टूट गई है, इसके ऊपर किसी का पाँव आ गया और इसका तो कचूमर ही निकल गया। ये किसकी गाड़ी थी? मेरी जी। तो किसने तोड़ी है? मोशाह ने तोड़ी है, आपने तो नहीं तोड़ी। अच्छा आप तो बहुत अच्छे बेटे हो, आप काम खराब नहीं करते। क्या बात है, बलून भर के दूँ? और जिया फातिमा की जिद्द है जी बैलून भर के दें, तो देखते हैं छोटा सा बैलून है ये मुझसे भरा जाता है कि नहीं। ये तो फट गया। जिया फातिमा क्या हुआ? ये तो फट गया, फट गया है, ये देखो ना यहाँ से फट गया, ये सारा इस साइड से फट गया, गंदा भी हो गया। चलो फेंक दो, गंदा हो गया है, ये देखो मट्टी लग गई, इसको मट्टी भी लग गई है ना। चलो अब फेंक दो, नहीं दो ना, नहीं गंदा हो गया, फेंक दो अब इसको। आइए फेंक दो और ले लेंगे, फेंक दो, ये फट गया हुआ, ये देखो ये फट गया हुआ, ये देख यहाँ से, ये देखो फट गया हुआ, ये देखो फट गया हुआ, फेंक दो इसको। चलो आ जाओ, तो बच्चों का दिल जो है वो नहीं करता ऐसी चीज़ें फेंकने को। तो जी जिया फातिमा जो है वो आ ही गई है अंदर। ये क्या पकड़ा हुआ है? पोनी। तो कर लो, टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, नाश्ता मैंने नहीं किया था क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने को, तो अभी मेरा प्रोग्राम बना है ये नाश्ता जो है वो कर लें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते में है तोरी का सालन, भिंडी का सालन और साथ में दही रोटी। रोटी जो है वो इस वक्त तो ठंडी है, मगर मुझे ठंडी रोटी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पानी है। और विजया फातिमा भी खाना खाएगा, वही मज़े से खाएगा। अच्छा तो आजकल नाश्ता जो है मोस्टली अम्मी जान बना रही हैं, और एक ही दफ़ा उन्होंने बना दिया था, मैंने भी कहा कि मेरे लिए पहले ही तैयार कर दें ताकि ठंडा हो जाए,
और ठंडा खाना खाने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है गर्म चीज़ से। तो ये फातिमा किस चीज़ के साथ खाना खाएगा? भिंडी के साथ। भिंडी ये है, भिंडी के साथ खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता करने के बाद विजया फातिमा जो है वो आके तो पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये देखें जी कितनी रेजर और पेंसिलें और क्या क्या रखा हुआ है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स है तो इसके अंदर रखो ना सारी चीज़ें। तो ये जी इसका पेंसिल तराश था, ये शायद तोड़ दिया हुआ है। मोटरसाइकिल है तो और क्या क्या है। ये घड़ी आपकी है? घड़ी आपकी है भाई की? वाच है ये? किसकी है ये? मेरी है। सही हो गया। तो ये जी विजया फातिमा का कायदा। तो सबक भी पढ़ा है? क्या सबक पढ़ा है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अलफ से अम्मी विजया, विजया की अम्मी। हाँ किसकी अम्मी है? मोहम्मद अहमद की। मोहम्मद शाह की। अच्छा आपकी भी अम्मी है। हाँ ये विजया फातिमा की भी अम्मी है। आपकी क्या है? मोहम्मद शाह की है। तो आपकी अम्मी नहीं है। आपका कौन है? ये आपकी अम्मी है। हाँ आपकी अम्मी नहीं है। आपकी क्या है? ये इसके बाबा है। ये इसकी अम्मी है। ये कौन है? मोहम्मद शाह है। तो आपकी भी अम्मी हुई ना फिर? मेरी अम्मी नहीं है। हाँ तो आपकी अम्मी किधर है? आपकी मामा है। आपकी मामा है? अम्मी नहीं है आपकी? वो विजया फातिमा की मामा है जी, अम्मी नहीं है। ये लिखे हुए हैं चीज़ें लिखी हुई हैं, वो चीज़ें लेके आता हूँ फिर मैं आपके लिए। इसके ऊपर नहीं लिखना, ये देखे जी वो लाइन लगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये फातिमा अम्मी को ही मामा कहते हैं। अम्मी को ही मामा कहते हैं ना। अम्मी मामा वो है, वो विजया फातिमा की अम्मी मामा वो है। तो जी सामान की लिस्ट जो है वो मिल गई है और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, वहाँ से जो सामान लाने वाला है वो लेके आते हैं। तो जी मैं चिट लेके स्टोर पे पहुँच गया और यहाँ पे ये लगे हुए सारे सौदे। सबसे पहले तो मुझे चाहिए जी काले चने जो कि ये पड़े हैं। सर्फ चाहिए थी 1 किलो वाला पैकेट। एक पैकेट चाहिए था शक्कर का और शक्कर जो है वो भी ये पड़ी है। और यहाँ स्टोर से ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं चाहिए थी। अभी काला साबुन जो है वो चाहिए था तो वो पूछ लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला नहीं है स्टोर में। काला साबुन चाहिए था बर्तनों वाला तो वो भी मिल गया। तो ये भाई लेके आए चुसनी, एक दे चुसनी जो है वो यहाँ से मिल रही है मगर बड़ी है, मुझे ये चाहिए नहीं। तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं जी बर्तन कुछ और मुझे एक डोलनी चाहिए थी स्टील की। तो ये लगी हुई हैं डोलनियाँ, काफ़ी मुख्तलिफ डिज़ाइनों में हैं और मुझे जो पसंद है वो डिज़ाइन मुझे कुछ ये लग रहा है ये वाला। और मुझे एक नहीं दो चाहिए। उस्मान साहब नाल दी दूसरी डोलनी भी दियो। स्टील का दूसरा डोल जो है वो मिला नहीं है, एक ही मिला है तो ये हम ले लेते हैं। तो आज का सामान जो है वो कुछ इतना सही था। तो जी ये चूसनी थी जिसके लिए मैंने काफ़ी सारी शॉप जो है वो चेक की तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मिल गई है। ये आप शॉप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी शॉप है, इसमें बच्चों के खिलौने एनके और उसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से अवेलेबल है। शुक्रिया। तो इस चूसनी के लिए मुझे काफ़ी जो है वो भागदौड़ करनी पड़ी। बाकी चीज़ें खरीदने के बाद अभी मैं आ गया यहाँ पे गारमेंट स्टोर पे और यहाँ से मोहम्मद शाह के लिए कपड़े जो है वो ख़रीदने हैं तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे जी काफ़ी सारी वैरायटी जो है वो अवेलेबल है
और ये कलर जो है वो मुझे वैसे पसंद नहीं है, कोई भी डार्क कलर जो है। काफ़ी सारे सूट जो है वो निकाले थे, उनमें से मुझे जो पसंद आए हैं वो ये दो है, सॉरी ये नहीं, ये ट्राउज़र है और ये ऊपर अपर, और एक ये ट्राउज़र और ये शर्ट। और इस दफ़ा कलर जो है वो मैं डार्क ही लेके जा रहा हूँ, वैसे ज़्यादा लाइट कलर यूज़ करते हैं, आज के जो कलर हैं वो डार्क हैं। और इस सूट के साथ मैच करके तो ये कैप ली है, और इसके साथ जो है वो ये कैप ली है, इसमें ब्लू और ब्लैक कलर जो है वो इसके साथ मैच हो जाएगा। और ये एक अदर फिटर जो है वो मुझे पसंद आया था तो वो भी मैंने ले लिया साथ। तो जी फर्स्ट टाइम मोहम्मद शहाब के लिए मेरी तरफ से शॉपिंग। तो चीज़ें जो ख़रीदनी थी वो मैंने ख़रीद ली हैं सारी जितनी चाहिए थी, और अभी मैं चल रहा हूँ घर को वापस। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, और रुका इसलिए था कि यहाँ पे जो है वो टेलर की शॉप है, और मुझे मोहम्मद शाह के कपड़े दिए हुए तकरीबन 3 माह से ज़्यादा अर्सा हो चुका है, और वो मैं लेके नहीं गया, तो आज मेरा प्रोग्राम है कि वो ले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या जनाब, ठीक है मुबारक साहब, क्या हाल है? मुबारक भाई। तो ये तो आपको पता है ना कि इनका नाम और मेरा नाम सेम है। तो मुबारक साहब, मोहम्मद शाह के कपड़े सिलाई कर छड़े थे? कितने महीने बाद आया भला? कम से कम 2 माह। इस दफ़ा बहुत ये बात हुई है कि इससे पहले मुबारक साहब जो है वो मेरा काम लेट करते थे, और इस दफ़ा जो है वो मैं खुद ही लेट हो गया हूँ। इन्होंने टाइम पे सिलाई कर दी मगर मैं लेट हो गया। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। मोहम्मद शाह के ये कपड़े हैं, और जो है ना मम्मा शाह के पापा जो है ना इस वक्त बहुत लेट आया। मैं कह रहा था शायद हमें जाके देने पड़ेंगे कपड़े उनको। बात बताई क्या हुई थी? वो आपको पता है फार्म हाउस का काम शुरू कर लिया था, इस वजह से मैं इस रोड को यूज ही नहीं कर सका। हाँ। दूसरे रोड से मैं जाता था, वहीं से आ जाता था, इस वजह से जो है ना वो एक दो दफा आया वैसे मैं, मगर लेट आया। तो फिर वो शॉप बंद थी आपकी इस वजह से? मैंने भी देखा आपको फार्म हाउस से ना, आपको नए फार्म हाउस मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो जी ये देखें कपड़ों के ऊपर जो है डस्ट भी पड़ चुकी है, इतने दिन हो गए सिलाई किए हुए। तो लगाया हुआ है ना मैंने? हाँ, ये शॉपिंग बैग लगाया हुआ है, इससे कपड़े जो है वो अंदर बच जाएंगे, कपड़ों के ऊपर डस्ट नहीं पड़ी, ऊपर शॉपिंग बैग के ऊपर पड़ी है, तो चलें ये साफ हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो लीजिए इजाज़त चाहेंगे हम बाकी। पहुंचा तो विजया फातिमा जो है वो यहाँ पे बैठ के टेबल पे पढ़ रही है। ये किधर बैठे हो? मोटरसाइकिल आ गया, मोटरसाइकिल आ गया। ओए ओए गिनने लगा विजया फातिमा। विजया बेटा गिनने लगा। ओए चेयर उठा के भाग गए। विजया फातिमा बेटा किधर जा रहा है? गेट नहीं बंद हुआ था? चलो अब बंद हो गया, चलो आ जाओ। तो क्या खा रहे थे? कुछ नहीं। ये क्या लगा हुआ मुंह को? है? क्या खाया था? चूड़ा। समझ नहीं आई क्या खाया था? मट्टी खाई थी? नहीं मट्टी तो नहीं खाता जी बेटा। अच्छा बेटा मट्टी नहीं खाता। ये मुंह को क्या लगा होगा? खाया हुआ कुछ आपने? ये देखें जी विजया फातिमा के मुंह पे पता नहीं क्या लगा, क्या खाया था आज इसने? तो मेरे पीछे पीछे क्या खाया था आपने? चिप्स तो नहीं बनाए थे? बनाए थे? हाँ केचप के साथ वही खाए होंगे, केचप लगी हुई है मुझे लग रहा है। तो विजया फातिमा ने आते ही मुझसे बैग जो है वो पकड़ लिया। तो ये किसके पकड़े हैं, किसकी चीजें हैं पता है? तो सारी चीज़ें लेके जो है वो यहाँ पे बैठ गई है विजय फातिमा। तो इसमें पता क्या क्या है? ये किसके हैं? आपके नहीं है, किसके हैं ये? हैं मोहम्मद शाह आपके हैं ये सारे। तो आप सारे खोलते जा रहे हो?
तो जिया फातिमा और मामी शाह ने आते ही चीजें जो है खोलना शुरू कर दी है। तो ये किसका फीडर है? बेबी का। वो ये बेबी का फीडर इतना प्यारा है। तो मामी शाह जो है वो मामी शाह के कपड़े जो है वो खोल रहा है और ये फीडर उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो ये फीडर पकड़ा हुआ है। तो ये दूसरा सूट भी निकाल लिया है, सारी चीजें निकालते जा रहे हो हैं? ये दूसरा मामी शाह, एक और मामी शाह वाले, ये वाले, ये मम्मी, ये दूसरा सूट जो वो भी खोल कर रख दिया इन्होंने। और एक टप्पी। तो ये क्या है? एक टप्पी। किसकी किसकी टोपी है? ये किसकी टोपी थी? ये को इसने बेबी ने टोपी डाली। ये क्या है? चूची। चूची किसकी है? किसकी चूची है? मुझे फातिमा की चूची है। मैं नहीं है। हाँ किसकी है? बेबी की है। बेबी की है? मेरी है। नहीं आपकी नहीं है, मामा शाह आपकी है। हाँ क्या? हाँ जी बच्चों को ये भी पता है जी किसके साथ कौन सी चीज वो मैच है। उतके तात इतके तात। ओए तो ये तो उतनी चूची किसकी है? नहीं है आपकी तो नहीं है। वो देखो दूसरी चूचनी भी। तो जिया फातिमा को तो मिल गई है जी दो चूसनियाँ। तो वो चूसनियाँ पकड़ के खुश हो गई है। एक किसकी है किसकी है जिया फातिमा? एक चूसनी किसकी है किसकी है? तो ये रहे जी मोहम्मद शाह के कपड़े जो नया सूट सिलाई करवाया वो ये रही कमीज। हाँ ये कमीज है। क्या नहीं नहीं खोलना नहीं इनको। तो घर की चीज़ों के अलावा बच्चों के लिए ये चीज़ें थी आज। चूसनी जो है वो बाद में चूसे। अब जिया फातिमा ने दोनों खोल कर पकड़ ली हैं और कभी एक मुंह में डाल लेती है कभी दूसरी मुंह में डाल लेती है। तो आप उसकी चूसनियाँ क्यों गंदी कर रही हो? हैं टूट जाएंगी। तो ये देखे जी दोनों चूजनियां कट्टी मुंह में डाल ले। दो चूजनी वाला चूजा। असर की जान हो चुकी है और मैं चला गया था मार्केट। बतखें जो है वो अभी तक बंद है तो अभी मैं बतखों को खोल दूंगा ताकि वो घूम फिर लें और कुछ दाना दून का जो है वो खा लें। उसके बाद क्योंकि टाइम हो जाएगा मगरिब का और बतखों को बंद करने का तो बतखें जो है वो काफ़ी शोर शराबा कर रही हैं। चलो 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 भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। बतखें जो है वो निकलते ही बाघ से जो है बाहर भाग गई हैं और दौड़े लगा रही हैं इधर उधर। ये चेक कर और यूं महसूस कर रही हैं जैसे उन्हें आज़ादी मिल गई है। और बाहर निकलने के बाद बतखें जो है वो काफ़ी खुश हो गई हैं। जिया फातिमा जो है मुर्गियों के पीछे भाग रही है और ये हैं जी पौधे जो कल लगाए थे अनार का। तो जिया फातिमा पौधों को पानी नहीं दिया? दिया। कब दिया था? वो तो कल दिया था ना, आज तो नहीं दिया। तो दूसरा पौधा किधर लगाया था? ये वाला। और दूसरा वो वाला किधर लगाया था? इधर थोड़े लगाया था, वो तो उधर लगाया था। दिखाओ ना किधर लगाया था, चलो ना देखें किधर लगाया था।
तो जिया फातिमा जी अभी पौधे जो है वो दिखाएगी। तो जिया फातिमा जो है वो बोतल में पानी भर के ले आई है और पौधों को पानी देने लगी है। किसको पानी दे रहा है? तो मामा शाह जो है वो उसे तंग कर रहा है, वो कभी उसे कोई पौधा कह रहा है, कभी कोई पौधा कह रहा है, तो बार बार कह रही है जिस पौधे को। ये लो दे दिए पानी। किसको? जिया फातिमा और मामा शाह जो है वो मसरूफ हो गए पौधों को पानी देने में। शोर क्यों कर रहे हो? ओह, तो जिया फातिमा से बोतल ही गिर गई। पानी देने लगी पौधे को तो बोतल गिर। बथुओं के दाने का टाइम हो गया और जिया फातिमा जो है वो उनको फिलहाल तो भगा रही है। उनको दाना डालना है? दाना नहीं डालना उनको, वो कह रही है मैं दाना डालो। जिया फातिमा बथुओं को दाने नहीं डालने? हाँ तो फिर उनको दाने डालो ना। जाओ पहले जूता पहन के आओ, जाओ जूता पहन के आओ फिर दाने डालेंगे। जाओ भाग जाओ, वो भाई लेके आया आपके जूता, जाओ पहन लो। हाँ भाग जाओ। बथियाँ जो है दानों के लिए इधर सारी इकट्ठी होती जा रही हैं। जिया फातिमा और मामा शाह गए हैं जी दाने लेने के लिए। तो जिया फातिमा जो है वो किसी को दाने जो है वो बथुओं को डालने नहीं देती। ले आए हो दाने? कितने लाए हो? इधर से नहीं डाले। तो जिया फातिमा जो है बथुओं के लिए दाने लेके आ गई और अभी बथुओं को दाने डालेगी। जिया फातिमा दाने डाल रही है बतखों को? ये आपकी बतखे हैं? कितनी बतखे हैं? तो मुर्गियों को दाने जो है वो इधर डाल दिए। क्या कह रहे हो जिया बेटा? मुदरे ने मुद अभी सुबह लेंगे, ठीक है अभी नहीं मिलना। तो जी बथुओं को और मुर्गियों को दाने वगैरह डाल दिए हैं, अभी दाने वगैरह खा लेती हैं और इसके बाद इनको करेंगे बंद। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मामा शाह जो है वो तो दरख्त के ऊपर चढ़ा। अल्लाह हाफिज़।